निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलियेटेड टू यूपी बोर्ड, एक्सेलेंट टीचिंग मेथड, कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, एंश्योर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन विद कॉन्फिडेंस, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, सीसीटीवी सर्विलांस, वेंटिलेटेड क्लासरूम एंड सेफ कंपाउंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता, लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। जय हिंद, आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सतेंद्र राय अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सतेंद्र राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बातें कही हैं, आइए खबरों नजर चैनल पर हम आपको दिखाते हैं। क्या उद्देश्य है? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में और गोपालपुर विधानसभा की तरफ से इस प्रेस वार्ता को रखा गया है और मुख्य रूप से हम जनता के बीच में और आम जनमानस के बीच में पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से 2014 से लगातार 9 साल तक जिस तरह से सरकार चल रही है और जैसा शासन सुशासन गरीब के लिए, लोक कल्याण की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं उनको जन जन तक पहुंचाना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पिछले 2014 के पहले 10 वर्ष तक जो है किस तरह से भारत में जो है उस स्वर्णिम समय को जो है खोया है। उसके बाद 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है लगातार आज 2023 तक 9 वर्ष तक शासन सुशासन गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं और देश का मान सम्मान स्वाभिमान किस तरह से विश्व पलट पर कैसे ऊंचा हुआ है इसका सीधा सीधा जो है हम लोग अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस पर चर्चा करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ वादे करते हैं, कागजी बातें करते हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। धरातल पर दिखने का जहां तक सवाल है कि पहले तो आप आजमगढ़ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का ही जो है विधायक रहा है, सांसद रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ सरकारें काम कर रही हैं, तब से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ ऐसी जगह पे जहाँ कि यहाँ पे कोई भी सांसद और विधायक नहीं होने के बावजूद बिना किसी भेदभाव के तमाम परियोजनाएं, तमाम विकास की जो भी एजेंडे रहे हैं उनसे कहीं भी आजमगढ़ अछूता नहीं रहा है। बराबर की भागीदारी हुई है आजमगढ़ के साथ, पूरी तरह से न्याय किया है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, और आजमगढ़ में विकास की गंगा चाहे वो किसी भी स्तर पे आप ले लें वो बराबर यहाँ पे काम चलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है हम लोग बचपन से आज तक इतने बड़े हो गए, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ ऐसी जगह पे जो कि मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल है। और मोदी जी ने पिछली बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो है शिलान्यास किया था महाराजा सुहेलदेव के माध्यम नाम से जो है अगवेलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। तमाम ऐसे रोड और तमाम ऐसे हाईवे हैं जिनके माध्यम से पूरे आजमगढ़ को पूरे प्रदेश से जो है जोड़ने का काम किया है। अन्य और भी योजनाएं चल रही हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीत घराने के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय देने का काम पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। रोडों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ से जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है, अभी भी विकास जो है बराबर चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला होगा, एक ऐसा मंडल होगा
कि जिसमें विकास के लिए आपको पहले की सरकारों में और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहले यहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बावजूद आजमगढ़ में आज जो भी स्थिति है वो बराबर जो है कहीं से सरकार आपने जहां से चुनाव लड़ा गोपालपुर विधानसभा से, वहां पे देवरांचल है, वहां हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका होती है। पिछले साल भी आपने देखा कि क्या हुआ था, तबाही आ गई थी, तो क्या उसको लेकर के क्या सोचना है, क्या काम किए गए इस दौरान तब से लेकर? गोपालपुर विधानसभा में जितनी भी सड़कें थी उनको प्रत्येक सड़कें, जैसे अभी आप देखेंगे कि बिलरियागंज से रौना पार्क मार्ग को जो है चौड़ीकरण के लिए और उनका पैसा पास हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। परशुरामपुर से कुड़ही तक जो है, जो आप बंदी तक है, उस रोड का भी चौड़ीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। सहदेवगंज तक जो है, जब आप महाराजगंज से सहदेवगंज के लिए जाएंगे उस रोड का भी चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। जियो हो चुका है, टेंडर जो है प्रक्रिया में है। इन सारे रोडों को जो है चौड़ीकरण जो कि बंदे से पहले सांसद दिनेश लाल निरवे जी ने कहा था कि 12 जगहों पे पुलिया का चिन्हीकरण किया गया, आपको क्या इसके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल, दिनेश लाल यादव जी हमारे सांसद जी हैं और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है गोपालपुर विधानसभा के लिए। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देवरा क्षेत्र में जो है एक खेल का स्टेडियम जो है हमारी सरकार के द्वारा जो है वहाँ जो है खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जो है बड़ा स्टेडियम पास किया गया है, उसका भी निर्माण होने जा रहा है। कुछ पुलिया का निर्माण हो रहा है और कुछ पुलियों का भी निर्माण चल रहा है जो आप देख रहे हैं। कुछ पुलों के भी प्रस्ताव पड़े हैं, अभी उन पुलों पर भी जो है जल्द से जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि गोपालपुर क्षेत्र जो है बंधे के उस पार जो बाढ़ का जो आपने जिक्र किया है उस पर भी अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर अभी कल ही जो है डीएम साहब और सारे आला अधिकारी जो है, जबकि बरसात का अभी बहुत टाइम है, उससे पहले ही उसका जायजा लेने के लिए कल पूरे जो है बाढ़ क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया है और जगह जगह जा कर के कहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ करनी है, किसको किस तरह से सरकार जो है पूरी तरह से, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर आजमगढ़ को लेकर के पूरी तरह से हमेशा जैसा उन्होंने आजमगढ़ के साथ डीएम साहब गए, डीएम साहब हर साल जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और अपना खाली खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, हजारों परिवार वहां बेघर होते हैं हर साल होते हैं और खाली पैसे का बंदरबांट होता है जो कि ऊपर से आता है और नीचे खाली इसीलिए होता है कि बाढ़ आवे और हम बंदरबांट करें। आज तक एक अप्रोच तक पूरा पता नहीं हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी ऊपर से जो एक रुपया पहुँचता है, 100 रुपया ऊपर से रिलीज होता है तो 100 रुपया नीचे तक पहुंचता है और उसका काम होता है, चाहे वो लाभार्थी के रूप में हो, चाहे देश की गरीब जनता के लिए जो पैसा जो मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के द्वारा सरकार के द्वारा दिया जाता हो, कहीं कोई बंदर बांट नहीं होता है। पहले की सरकार में आपने सुना होगा कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने, मुखिया ने खुद स्वीकार किया था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो वह जो है नीचे तक पहुँचते पहुँचते जो है 25 पैसा उसका जो है खर्च होता है, बाकी पैसे का जो है बीच में ही जो है बंदर बांट हो जाता है। ऐसा कहीं भी किसी भी जगह जो है आज 2014 से जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और 2017 से राज्य में जब से सरकार चल रही है, कहीं भी किसी भी जगह आपने किसी जगह जो है आपने आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कहीं भी एक पैसे का कहीं कोई घोटाले में नाम आया हो या कहीं इस तरह की कोई बात पर नहीं आया। लेकिन आम आदमी का जो काम पड़ता है थाना और तहसील से, कोई ऐसा थाना तहसील बता दीजिए जो बिना किसी भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहा हो? नहीं, आज से नहीं, जमाने से सरकार हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी का पूरी तरह से निर्देश है और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, गरीबों के कल्याण के लिए यही भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंडा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई समझौता नहीं करती। जहां तक आप थाने और तहसील की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आप सभी लोग साथी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदारी है, आप बराबर थाने से लेकर तहसील से लेकर जिले की समस्याओं को देखते हैं। अगर इस तरह का माहौल और अगर इस तरह की बातें कहीं आती हैं तो उस पर निश्चित तौर पर जो है तुरंत कार्रवाई होगी और आप लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर यहां तक देखते हैं कि जहां भी भ्रष्टाचार की बात आती है वहां तुरंत कार्रवाई होती है। कार्रवाई होगी तो फिर आप ही लोग जो हैं कहते हैं कि अब जो है विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है, सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है और यह प्रायोजित है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के आम आदमी नेता सारे लोग उसमें आते हैं।
सबके प्रति किसी को नहीं बख्शने की बात है मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, चाहे उनके पार्टी का, चाहे हमारे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भी हो, किसी के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किसी के साथ कोई भी इस तरह की बातें नहीं हैं और सबके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। जहां तक कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, आप ही लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि अब उनको डराने के लिए ये काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जिसने भ्रष्टाचार किया है आज नहीं तो कल उसको जेल जाना है, और यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त जो है देश होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी का रहेगी, चूक हो गई थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, क्या आप उसको बचा पाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीट आपने समाजवादी पार्टी से जीती है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि चूक की, हमारी चूक की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, क्या उसको आप बरकरार रख पाएंगे? नहीं, उनकी चूक नहीं है, उनकी नाकामियों की वजह से आज जनता जो है, जो जनता को आज तक उन्होंने छला है उसको जनता ने जो है सही तरीके से पहचाना है। और मोदी जी से और योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है, और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसी का नतीजा रहा है कि हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को जो है यहाँ की जनता ने जो है यहाँ से सांसद बना करके उपचुनाव में भेजा है। जहाँ तक 2024 में बरकरार रखने की बात है, आपने लगातार देखा होगा कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो है और सारे कार्यक्रमों में आज तक जितना भी आजमगढ़ के इतिहास में इतना ज़्यादा जनता के बीच में, लोगों के बीच में समस्याओं को लेकर के कोई भी सांसद, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों या कोई अन्य भी रहा हो, आज तक किसी ने भी इस तरह से जनता के बीच में घूम घूम करके कार्यक्रमों में और उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने का काम नहीं किया है, जैसा हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और सारे लोगों की जिम्मेदारी है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और इसी तरह से जो है जनता के बीच में रह करके उनके सुख पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं से अवगत होकर के उन पर और क्या विस्तार किया जा सकता है, उनके लिए और क्या काम किया जा सकता है, इसका संज्ञान लेकर के उस पर। आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने जिस तरह से बार बार बयान बदला, कभी कहते हैं कि नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि बनेगा, इसे कहीं ना कहीं सरकार और किसान आमने सामने आ गए हैं, तो 24 में इस चुनौती को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे आजमगढ़ में कि जिससे जो है वो मील का पत्थर साबित हो, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद लोगों को प्रायोजित तरीके से जो है आंदोलन के रूप में किसान बता करके और उनको भ्रमित करके आजमगढ़ ऐसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोकने के लिए वो बार बार जो है विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं जनता को और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित, चंद लोगों को आप लोग क्यों नहीं माने, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, आपके सांसद क्यों नहीं उनसे बात कर पा रहे हैं? अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों को कोई सुनने वाला है नहीं, और अधिकारी हैं वो अपना खाली नौकरी कर रहे हैं, कोई काम समझाने वाला नहीं, सांसद क्यों नहीं गए या आपका कोई वरिष्ठ नहीं? मैं और माननीय सांसद जी, मैं चूँकि मेरी विधानसभा गोपालपुर है और मैं माननीय सांसद जी हम लोगों ने जा करके वहाँ पर खुद जो है सारे लोगों से बात किया था और वहाँ स्थानीय तौर पे जा करके वहाँ हमने हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण, हम लोग नहीं, वहाँ सारे लोग थे और अभी ये 2 महीने पहले की बात है, और वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया कि क्या क्या वजह है, कहाँ पे जो है आबादी है और कहाँ जो है लोगों के घर जा रहे हैं और किस तरह से विस्तारीकरण हो कि जिससे कि विस्तारीकरण भी हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाए और किसी भी इस तरह के भी वहाँ के नागरिकों का नुकसान ना हो, उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी कार्य योजना बन गई थी। लेकिन अब वहाँ पर इस तरह से विरोध और ये इन लोगों को भेज करके उसको काम को न करने देने के लिए बार बार जो है यहाँ पर साजिशों का निर्माण होता है। उसी के संबंध में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस बात को कहा था कि जब तक उसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना, चूँकि टेक्निकल चीज़ों के जानकार हम लोग नहीं हैं, उसके जानकार जो लोग हैं अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना संभव नहीं। सांसद जी ने एक बात और कही कि आजमगढ़ के लोग ही अब किसानों को जो धरना दे रहे हैं उनको समझा लें,
तभी एयरपोर्ट बन पाएगा। तो क्या मान लिया जाए सरकार और सरकार नए प्रयास चल रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, और जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जिनको जिनके बीच में भ्रम फैलाया गया है उनसे भी वार्ता करके और उस पर काम चल रहा है। हमारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। देखिए किसान नहीं तैयार होते थे क्या? अभी पिछली बार जैसा मैंने भ्रम की बात कहा तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है अभी पिछली बार ही उन्होंने ये कहा था कि हम तो भाई हमको अनुमति नहीं देते हैं, हमारा जहाज तो हमने तो वहाँ हम उतर चुके हैं। तो ये उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, वीआईपी प्लेन है, वो सिर्फ अपनी सुविधा की बात करते हैं। उन्होंने जब पट्टी का निर्माण किया होगा तब किया होगा तो सिर्फ अपने उतरने के लिए, आने और जाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज उतरे जिसका किराया कम हो और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जहाज उतारने की प्लानिंग और उसके लिए विस्तारीकरण करना चाहती है। अगर आप किसानों को नहीं समझा कि दूसरा कोई विकल्प है कहीं दूसरी जगह बनने के लिए है कोई नहीं देख रहे हैं आप लोग? किसानों को समझा लिया जाएगा ना, जो जिन लोगों के बीच में गलतफहमी है, जिनको भ्रम है, उनको समझा लिया जाएगा। वो मेरी भी जिम्मेदारी है, विधानसभा मेरी भी है और हमारे सांसद जी हैं, हम लोग मिल करके, हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, हमारे और भी नेता हैं, हमारे जिले के नेता हैं, सब लोग मिल करके उस समस्या से निजात पा लिया जाएगा। ये समझा जाए कि इस समस्या का जल्दी ही आप लोग समाधान करेंगे और आजमगढ़ को हवाई अड्डे की सौगात मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।